केंद्र सरकार द्वारा रसोई गैस के दामों में की गई वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में पदाधिकारी बृहस्पतिवार को खाली गैस सिलेंडर हाथों में उठाए जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट में दाखिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कहा गया कि केंद्र सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार सांप्रदायिक एवं संवेदनशील मुद्दों को बढ़ावा देकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। प्रदर्शन के दौरान यह भी कहा गया कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब भारतीय जनता पार्टी गैस के दामों में मामूली वृद्धि को लेकर बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन करती थी, लेकिन आज भाजपा सरकार में ही बड़े पैमाने पर रसोई गैस के दामों में वृद्धि की जा रही है। साथ ही पेट्रोल डीजल के दाम भी आए दिन तेजी के साथ बढ़ाए जा रहे हैं, जिसका सीधा असर गरीब जनता पर पड़ रहा है। देश की जनता अभी भी कोरोना काल से नहीं उभर पाई है, ऊपर से महंगाई ने जनता को दोहरी मार दे दी है। ज्ञापन के माध्यम से रसोई गैस के दामों में की गई वृद्धि को वापस किए जाने की मांग उठाई गई है। प्रदर्शन एवं ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष असलम खुर्शीद एवं महानगर अध्यक्ष अनुभव मेहरोत्रा ने संयुक्त रूप से बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ये आज धरना प्रदर्शन जिला और महानगर कांग्रेस का संयुक्त रूप से है, और इसका मेन मकसद जो है वो ये है कि 50 रुपए घरेलू गैस पे बढ़ाए इन लोगों ने, बिल्कुल हद कर दिए, इंतहा कर दिए इन लोगों ने बेईमानी की। आज उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन है, अग्रिम आदेशों का पालन किया जाएगा जो भी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। किस तरीके का आपका विरोध है? आज हम ज्ञापन दे रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, और जिला और शहर कांग्रेस कमेटी दे रही है, और उसका मेन मकसद होगा कि इसके गैस के दामों को घटाया जाए, जो जनता के साथ अत्याचार और जुल्म हो रहा है उसको खत्म किया जाए। इस संबंध में हमारे अनुभव मल्होत्रा जी, पूरे उत्तर प्रदेश का, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है, खासतौर से मुरादाबाद में जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी संयुक्त तौर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो गैस के बढ़े हुए दाम आपने देखा, कल सुबह उठते सबसे पहले जो खबर आई, जो होली का त्यौहार का तोहफा माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनता को दिया गया, इस मौके पर जहाँ आदमी पहले से त्रस्त है उसके ऊपर और बोझ डालने का काम करा गया है। गरीब पहले से परेशान है, आप भी जानते हैं कि कितना लोग कैसे समय में घर गुजारा कर रहे हैं, कैसे अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, उसके बावजूद 50 रुपए घरेलू सिलेंडर बढ़ा दिया गया। अच्छा, सिलेंडर लेकर आए, क्या मैसेज दिया है? आप भी समझ रहे हैं सिलेंडर लेके क्यों आए, खाली सिलेंडर भरवाने के पैसे नहीं है। हम सोच रहे हैं शायद कोई आप लोगों के माध्यम से हमारी आवाज पहुंच जाए, पैसे मिल जाए। कौन सी योजना है वो जो गरीबों को दी गई थी? आज वो गरीब के अगर सिलेंडर तो भजवा दिया, भरवाने के पैसे गरीब के पास नहीं है। 350 रुपए कमर्शियल सिलेंडर बढ़ा दिए गए, तमाम सब चीजें गौर करने का विषय, महंगाई कहां पर पहुंचेगी सब देखिए, जनता का क्या हाल होने वाला है। अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो कांग्रेस पार्टी आगे भी धरना प्रदर्शन जारी रखेगी।